नैब की अपील मुस्तैद हुई है सर, उस पर क्या कहते हैं? अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अदालत उज़्मा ने हाई कोर्ट के बेल के फैसले को अपहोल्ड किया और हम सब अदालत उज़्मा के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये फैसला किया। और वी ऑलवेज बिलीव इन द रूल ऑफ लॉ और कानून की जो हकमियत है उसी को आगे चलना चाहिए। तो ये जो अमल ऐसा जिस तरीके से ये केसेस बने हैं उनकी क्या हैसियत रहेगी और अखलाकी तौर पर वो अब वो लोग कहाँ खड़े? इसको तो बेल की बात हुई, उसका मैंने जवाब दे दिया आपको। और अब अगला जो मरला है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मियाँ साहब की जो एप्लीकेशन है पटिशन वो दाखिल हो चुकी है, उसकी तारीख भी मुकर्रर हो चुकी है। और अब दुआ करें इंशाल्लाह कि अल्लाह ताला फजल करें। फौजी अदालतों के बारे में हुकूमत चाह रही है सर कि दोबारा बनाई जाए, आपसे भी ज़ाहिर है रब्ता करना नागुजीर होगा, इस बारे में आप क्या कहते हैं? जी ये अब हुकूमत जब रब्ता करेगी तो उसके बारे में हम ज़रूर उसके ऊपर सोच विचार करेंगे, लेकिन सिर्फ याद दहानी के लिए कि ये PMLN की गवर्नमेंट थी, मियाँ नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, जिसने फौजी अदालतों के क़याम के लिए एक इनिशिएटिव लिया और उसका नतीजा ये है कि फौजी अदालतों की वजह से जहाँ पर ज़रब अज़ब पर